से है जहां पुलिस की ओर से जगह जगह चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता विपिन बर्थुनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। विपिन बर्थुनिया ने बताया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एसपी को निर्देश दिया था कि कोटा शहर में केवल मुख्य मुख्य चौराहों पर चालान काटे जाएं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जगह जगह चालान काट रही है। आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारे मंत्री महोदय शांति कुमार धारीवाल साहब ने और पुलिस अधीक्षक साहब ने पहले ये कहा था कि रेवेन्यू काटना, इकट्ठा करना ट्रैफिक वालों का काम नहीं है, और इसकी तहत ही हमारे शांति कुमार धारीवाल साहब ने भी ये कहा था कि गली गली कोने कोने पे कोई भी चालान नहीं काटा जाएगा। जो आज हम देख रहे हैं कि लालपुरा, रामपुरा, केतनी पोल स्टेशन, कुनाड़ी, सकतपुरा मॉल के यहाँ पर, गुमानपुरा यहाँ पर पकड़ पकड़ के चालान बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। नया अपराध चुराई की ऐसी स्थिति है, वहाँ पर छः पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हमारे पास खुद उनके मोबाइल है, आकर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगर ट्रैफिक वालों ने अपनी यातायात व्यवस्था को सुधारे, न कि चालान के ऊपर ध्यान दें, हम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासक से कहना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हो।